बांग्लादेश के हालात पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भटके हुए युवाओं ने वहां पर तख्ता पलट किया, कोई युवा अपने देश को नहीं जलाता। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये भटके हुए युवा आईएसआई और चीन के रुपयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हें अपने देश से प्रेम नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों के देश में आने को लेकर कहा है कि रोहिंग्या मुसलमान जहां जहां गए हैं उन्होंने अराजकता फैलाई है और देश को ऐसे खतरनाक लोगों से बचाना बहुत जरूरी है। मुझे दुख इस बात का है कि सोशल मीडिया में लोग युवाओं के कारण हुआ। अरे ये भटके हुए युवाओं के कारण हुआ। युवा कोई अपने देश को जलाता है क्या? वहाँ युवा देश को जला रहा है। ये भटके हुए युवा आईएसआई और चाइना के पैसों से आंदोलन कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि इनको इनके देश से प्रेम नहीं है। ऐसे लोग ने अराजकता फैलाई है और ऐसे लोगों की तारीफ करना जो सोशल मीडिया में हो रही, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से आए सैलाब में कई सड़कें बह गई, जिसकी वजह से कई जगह यात्रियों के फंसे होने की खबर मिल रही है। तो वहीं क्षतिग्रस्त सड़कों को सही करने का काम तेजी से जारी है। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए और देखिए बर्बादी का मंजर किन्नौर में। हिमाचल के सड़क के बर्बाद होने की तस्वीर, बादल फटने की वजह से कई सड़कें बह गई हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं नहीं थम रही हैं और ये मंजर, ये हालात इस वक्त बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश के। तो बादल फटने की वजह से सड़क के बहने की तस्वीर आप देखिए। हालांकि राहत बचाव कार्य के लिए वहां पर सेना के कई लोग मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं और लोगों से यही अपील की जा रही है कि अभी बिल्कुल भी ज्यादा पहाड़ी इलाकों में वो ना जाएं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से बड़ा हादसा टल गया। पत्थरों की चपेट में पेट्रोल पंप आ गया। गनीमत तो ये रही कि उस वक्त कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था। ये देखिए पेट्रोल पंप और यहां पर कैसे जो पूरा पहाड़ है, एक हिस्सा उसका गिरकर पेट्रोल पंप पर आया। गनीमत ये थी कि पेट्रोल पंप में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन समय रहते इस हादसे को भी टाला गया है किसी तरह और लगातार प्रशासन की तरफ से भी चेतावनी जाहिर की जा रही है। मौसम को देखते हुए, मौसम के मिजाज को देखते हुए, लगातार जो लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं उसको देखते हुए भी सतर्क रहने की बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक ही दिन में कई ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सैलाब में नाले की पुलिया ही बह गई, जिसके बाद उफान पर बह रहे नाले को स्कूल के बच्चे जान को जोखिम में डालकर पार करते नजर आ रहे हैं। जिंदगी को दांव पर लगाकर नाला पार करते बच्चों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो देखिए कैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जान को जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं इस नदी को। कभी भी इस नदी का जलस्तर बढ़ सकता है और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इनकी मजबूरी है और इन्हें पार करना पड़ता है क्योंकि इन्हें स्कूल भी जाना है, घर भी आना है। गाँव और स्कूल के बीच में ये जो नदी है वो पड़ती है और ऐसे में कोई भी
ब्रिज नहीं होने की वजह से ये मजबूरन इस तरीके से पार करते हैं नदी और फिर स्कूल जाते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि बहाव जो नदी का है वो कितना तेज है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।